जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो सड़कों की नहीं आसमानों की बातें करते हैं। इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के कृषक समूह से जुड़े किसानों ने। इन किसानों ने सेवानिवृत्त जिला कृषि पदाधिकारी श्री प्रवीण कुमार झा के संरक्षण में मछली पालन, पॉली हाउस में खेती, देशी मुर्गी पालन, पशुपालन, बकरी पालन, बागवानी यानी समेकित कृषि प्रणाली का मॉडल तैयार किया है जो देश के अन्य किसानों को एक नई सीख देने की ओर अग्रसर हैं। इन चारों किसानों को मैं तैयार किया और यह वास्तविक में त्रिवेणीगंज प्रखंड का यह स्थल है, लेकिन इस समूह का नाम माँ काली मीन फार्म पिपरा रखा गया है क्योंकि जस्ट बॉर्डर पर मेरा पिपरा का जमीन है। और चारों किसान मिल के किन्हीं का 3.5 एकड़, किन्हीं का 4 एकड़, किन्हीं का 2.5 एकड़, 21 वर्ष के रजिस्टर्ड लीज पर जमीन जब ले लिए एक जगह, तब कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, गव्य विकास की योजना धीरे धीरे करके यहाँ ली गई। 18 दिसंबर 2019 से यहाँ तालाब निर्माण का पहला कार्य आरंभ हुआ, जब पहले किसान सुनील कुमार को मत्स्य विभाग, विश्व बैंक से कोसी बेसिन योजना के तहत 1 हेक्टेयर में तालाब मिला, 4,70,000 अनुदान, और मिट्टी जो कटा उससे जो कुछ राशि प्राप्त हुई, दोनों से पैसे आए, और उस पैसे से वेस्ट बंगाल से जाकर ये लोग मछली का जीरा लाए, दाना लाए और पहले तालाब में मत्स्य पालन आरंभ किए। फिर दूसरे वित्तीय वर्ष में दूसरा और तीसरा तालाब मिला, इन लोगों का उत्साह बढ़ा, जमीन बची हुई थी सभी किसान के पास, तो उद्यान से हमने 2 पॉली हाउस 2 किसान के नाम पर, 1 सेट नेट, 1 किसान जिनकी जमीन बची हुई थी वो दिलवाया। सुषमा कुमारी एक महिला किसान हैं, उन्होंने गव्य विकास की योजना, 10 गाय की योजना ली 75% अनुदान पर, और आज के डेट में यह 3 साल पुड़ चुका, 4th साल चल रहा है। समूह में ये सारे कार्य यहाँ कर रहे हैं। वर्तमान में बकरी पालन और देसी मुर्गी पालन भी आरंभ किया गया है, अब बहुत जल्द बतख पालन भी यहाँ आरंभ किया जाएगा, कड़कनाथ मुर्गा भी लाया जाएगा, और यहाँ उस ढंग से कार्य होता है जैसे किसी सरकारी कार्यालय या किसी अच्छे कंपनी में होता है। कहने का मतलब लेखा जोखा बिल्कुल सरकारी नियमानुसार यहाँ किया जाता है, और नई नई चीज़ जो जमीन बची हुई है उसमें ये करेंगे। अभी तो टमाटर की खेती, शिमला मिर्च की खेती, ओल की खेती, विभिन्न तरह के सब्जी की खेती, तालाब के महार पर पपीता और अमरूद की खेती, ये सारे कार्य यहाँ हो रहे हैं, और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि और यह विकसित हो, और साथ ही साथ सुपौल जिला के अन्य किसान भी या अगल बगल के जिला के अन्य किसान भी यहां आकर देखें और इस कार्य को करें।